हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबर रेवाड़ी जिले के विधानसभा क्षेत्र बावल के शेखपुर में एसडीएम संजीव कुमार ने लगाया खुला दरबार, ग्रामीणों की समस्याओं का किया मौके पर समाधान। बावल उपमंडल के गांव शेखपुर के आंगनवाड़ी केंद्र में आज से 10 बजे बावल एसडीएम संजीव कुमार ने उपमंडल स्तरीय खुला दरबार लगाया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण करने के लिए एसडीएम बावल संजीव कुमार मौके पर मौजूद रहे। खुला दरबार में एसडीएम बावल गांव शेखपुर के अलावा शाहपुर, भगवानपुर, खुरमपुर, जैतपुर व सुबासेड़ी गांव के ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका निवारण किया। इस अवसर पर संबंधित उपमंडल स्तरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि समय समय पर प्रशासन द्वारा इस तरह के खुले दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निवारण करने का काम किया जाता है। एचडी में बावल संजीव कुमार ने बताया कि आज 21 शिकायतें आई थी जिनका निवारण कर दिया गया है। घरों के ऊपर से हाईटेंशन वायर जाने की समस्या भी सामने आए, एसडीओ बिजली विभाग को मौके पर भेजकर निवारण करने के लिए कह दिया है। शेखपुर का स्थायी निवासी हूं और मेरी उम्र 32 साल है। मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा है कि जनता दरबार एसडीएम साहब के थ्रू यहाँ पे लगाया गया है और बहुत ही खुशी हुई इस बात की कि इस मुहिम के साथ हमारे गांव को जोड़ा गया और हमारे गांव की जन समस्याओं को आज वो बखूबी सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका निपटारा करेंगे, मैं ऐसी उनसे उम्मीद करता हूं। और इसी कड़ी में मैं उनका बहुत दिल से और पंचायत की तरफ से सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सर, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? आज शेखपुर में 5 गांव के बीच में खुला दरबार का आयोजन किया गया। इसमें कुल 21 शिकायतें आई हैं जो मुख्यतः इंक्रोचमेंट की और जो बीपीएल बस्ती है उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गई हुई है। और अभी मौके पे ही एसडीओ बिजली बोर्ड जो है पहुंच गए हैं और जल्द से जल्द इसका निवारण भी करवा दिया जाएगा।